इस्तेमाल हो चुके सैनिटरी नैपकिन से पर्यावरण को अब नुकसान नहीं पहुंचेगा। सीवर कचरे के गड्ढों, मैदानों और जल स्रोतों में बड़े पैमाने पर जमा हो रहे सैनिटरी नैपकिन के निपटारे के लिए किन्नौरी स्वयं सहायता समूह ने मासिक भस्म चूल्हा तैयार किया है। तेल के टीन से यह चूल्हा तैयार किया गया है, जिसमें बाहर से मिट्टी और गोबर का लेप लगाया गया है। ये एक चिमनी रखी गई है, जबकि इस्तेमाल हो चुके सैनिटरी नैपकिन को डालने के लिए जगह भी बनाई गई है। बीच में जाली और नीचे से लकड़ी डालने के लिए जगह रखी गई है, ताकि आसानी से सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल का निपटारा किया जा सके। धर्मशाला में चल रहे राष्ट्रीय स्तर के सरस मेले में मासिक भस्म चूल्हा के स्टॉल पर हर किसी के कदम रुक रहे हैं। कुल्लू जिला के विकासखंड नगर के किन्नौरी स्वयं सहायता समूह ने कबाड़ के जुगाड़ से बनी वस्तुओं के स्टॉल लगाए हैं। स्टॉल में मासिक भस्म चूल्हा भी रखा गया है, जिसमें महिलाएं सैनिटरी नैपकिन्स को भस्म कर सकती हैं, और ऐसा करने से महिलाएं पर्यावरण को बचा सकती हैं। किन्नौरी स्वयं सहायता समूह नगर ब्लॉक की संचालिका सुमिता बौद्ध ने बताया कि किन्नौरी स्वयं सहायता समूह से अभी तक सिर्फ 11 महिलाएं जुड़ी हैं, जिन्होंने घर के कबाड़ से विभिन्न प्रकार के बेहतरीन वस्तुएं तैयार की हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें घर के कबाड़ से ऐसे उत्पाद बनाने का आइडिया बीडीओ नगर कल्याणी गुप्ता ने दिया। सुमिता ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत वो काम कर रहे हैं और वो लोगों को संदेश दे रहे हैं कि घर का कचरा घर पर ही खत्म करें। उन्होंने बताया कि इसी तरह उन्होंने ये मासिक भस्म चूल्हा तैयार किया है, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि सरकार बोलती है कि सैनिटरी नैपकिन यूज करो, लेकिन सरकार ने यह प्रावधान नहीं रखा कि इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। इसकी मध्य नजर रखते हुए उन्होंने यह मासिक भस्म चूल्हा तैयार किया है, ताकि महिलाएं अपने सैनिटरी नैपकिन यूज करने के बाद उनके द्वारा तैयार किए गए चूल्हे में डिस्पोज ऑफ कर सकती हैं। ये पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप ने नहीं बनाया है, इसे हमारे पूरे ब्लॉक ने 10 पंचायतों के क्लस्टर ने मिलकर के बनाया है। इसमें ब्लॉक इंजीनियर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और खंड विकास अधिकारी मिस कल्याणी गुप्ता जी, हम सभी ने इसे मिलकर के बनाया है। सबकी सोच है और हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के नगर ब्लॉक से आए हुए हैं और लोगों को मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि किस तरह से घर का कचरा घर पे ही रिसाइकल करने की कोशिश करें, बाहर ना निकालें। और ये हमने इंसिनेटर बनाया हुआ है सैनिटरी पैड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसमें जैसे एक कबाड़ में से, मतलब कि हमारा बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट का नाम है कबाड़ से जुगाड़, तो हमने कबाड़ में से ये पीपा खरीदा है और गोबर और लाल मिट्टी से इसकी लिपाई करके इसमें सेक्शन बना करके और नीचे से आग जला करके ऊपर से सैनिटरी पैड डाल करके थोड़ी बहुत 15-20 मिनट में वो सैनिटरी पैड इसमें डिस्पोज हो जाएगा। और तो ये जो आप काम कर रहे हैं, इसके ऊपर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने घर से कम कचरा निकालें। जो कचरा रिसाइकल रीयूज होने का है, उसे घर पे ही रिसाइकल करें। जिस तरह से पुराने दुपट्टे हो गए, ये बॉटल्स हो गए, आप इन बॉटल्स बंद तो नहीं कर सकते, किसी को कोल्ड ड्रिंक पीने से रोक तो नहीं सकते, पर उसे इतना बता सकते हैं कि उस बॉटल्स को आप घर पे ही किस तरह से डेकोरेट करके आप उसका इस्तेमाल घर पे कर सकते हैं। किन्नौरी स्वयं सहायता समूह नगर ब्लॉक के स्टॉल पर पहुंची कुसुम ने बताया कि जितनी भी वस्तुएं इस स्टॉल पर रखी गई हैं, रिसाइकल्स की गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद उनको मासिक भस्म चूल्हा आया है। उन्होंने बताया कि इस चूल्हे में सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है और पर्यावरण को बचाया जा सकता है। विकासखंड नगर जिला कुल्लू से लगाया गया है और इस स्टॉल में हर एक चीज जो वो रिसाइकिल की हुई है, जिसमें खाली बॉटल्स को लेकर भी बहुत काम किया गया है, लेकिन ये मासिकी भस्म जो इन्होंने एक जो फीमेल पैड्स हैं उनको जलाने के लिए, उनको डिस्पोज करने के लिए जो ये मासिकी भस्म नाम से एक चीज तैयार की है, ये बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। क्योंकि आज की डिमांड है, अगर हम फीमेल यूज किया हुआ पैड अगर हम प्रॉपरली इसको डिस्पोज करते हैं तो उससे अपना वातावरण जो है वो साफ रह सकता है और वो घर में ही इसको खुद बना ले सकती है लेडीज और अपने घर में रखकर इसको यूज
कर सकते हैं। तो ये सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है मासे की भैंसी। धन्यवाद।